एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है, क्या क्या स्टेप मैंने फॉलो किए हैं, तो वो मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगी। गेट रेडी विद मी शूट करने वाली हूँ। बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं, दो तीन स्टेप्स करे हैं मैंने और ये लुक मैंने अचीव कर लिया है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से अपने वीडियो में मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अपनी आई में काजल लगाने का काम। मैंने अपना फेस जो है वो बेस लगा लिया है, बेस वाला काम मेरा हो चुका है। मैंने यहाँ पे लिया है NYB का द बिग एप्पल ऑफ माय आई काजल, जो कि मेरा फेवरेट है। ये ख़त्म हो गया था तो मैंने इसको नया मंगाया है। इसको हम अपनी आईज में अप्लाई कर लेंगे, पतला मोटा जैसा आपको लगाना है। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप कैसा लगाना चाहते हैं। सो मैंने पतला बेसिक काजल लगा। हमारी काजल लग चुका है। काजल की जो पैकेजिंग है वो चेंज हो गई है। इसकी पैकेजिंग जो है वो इस तरह के सिल्वर कलर के कार्डबोर्ड में आती है। नेक्स्ट मैं करूँगी अपने आई लुक को करेंगे हम NYB के आई लव आई शेडो पैलेट से, जो कि मिनी आई शेडो पैलेट है। इस पर मैं बहुत ही नॉर्मल सा आई मेकअप रखने वाली हूँ। सो मैंने ये पिंक वाला शेड लिया है और अपनी क्रीज पे अच्छे से इसको हमें अप्लाई कर लेना है। ज़्यादा कोई इंटेंस, मतलब बहुत डार्क मेकअप नहीं कर रही हूँ मैं, तो हल्का सा आई मेकअप भी करेंगे। इसमें आपको लाइट डार्क दो शेड मिल जाते हैं और तीन जो है वो थोड़े से स्पार्कली वाले शेड्स हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, अच्छे शेड्स हैं। यहाँ से इस तरह से हम अपने दोनों आईज में इसको कर लेंगे और यहाँ पे मैं ये गोल्डन वाला शेड लूंगी, बहुत थोड़ा सा, ये देखिए। और इसको यहाँ पे आई लिड पे अप्लाई कर लेंगे अपनी फिंगर की हेल्प से, दोनों ही आईज में हल्का सा बिल्कुल। और वापस से फिर इसी ब्रश से हम इसको क्रीज जो है वो स्मज कर लेंगे। तो हल्का सा मेरी आई जो है वो एकदम डिफाइन हो गई है। अब मैं लगाऊंगी यहाँ पे अपना आईलाइनर। आईलाइनर के लिए मैं यहाँ पे लूंगी NYB का ट्रू मैट लिक्विड आईलाइनर। ये है मैट है, ये इसका जो फिनिश है वो मैट है और सुपर पिगमेंटेड है और लॉन्ग वेयरिंग है, क्विक ड्राई है। तो चलिए इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। ये है वो इसका एक्चुअल प्रोडक्ट जो है, ये देखिए, ये इसका एप्लीकेटर है। अब मैं इसको अप्लाई कर लूंगी बहुत ही पतला सा। तो आईलाइनर मैंने अप्लाई कर लिया है बट मैंने आईज खोले और वो ऊपर मेरा थोड़ा सा ब्लैक कलर लग गया, उसको मैं ठीक कर लूंगी। अभी मैं आपको बताती हूँ उसको मैं कैसे ठीक करूंगी, थोड़ा सा सूख जाने देते हैं जब तक। और अब मैं लगा लेती हूँ यहाँ पे अपना मस्कारा, जिसके लिए मैंने यहाँ पे अगेन NYB का लिया है। ये है NYB का आई लव मस्कारा और वॉल्यूमिंग मस्कारा है। ये देखिए इसकी इस तरह की पैकेजिंग है, ब्लैक कलर की पैकेजिंग में आता है। शेक करते हैं देन इसको हम अप्लाई कर लेंगे। नाइस, एप्लीकेटर बहुत अच्छा है और आप देख सकते हैं कितना लुक चेंज हो जाता है मस्कारा लगाने से, नीचे वाले भी लैशेज में। तो हमारा यहाँ पे मेकअप कंप्लीट होता है, परेशान मत होइए, अभी मैं उसको हटाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से हटाना है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपनी लिपस्टिक फिल करूंगी। लिपस्टिक के लिए मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है NYB की बुलेट लिपस्टिक एंड दूसरी है लिक्विड लिपस्टिक, जो कि अगेन NYB की है। ये आपकी प्राइमर मैट लिक्विड लिपस्टिक है और इसके शेड को मैं दिखाती हूँ आपको। इसका शेड बहुत अच्छा न्यूड सा है, ये जो है ये रेड कलर है। तो आज मेरा रेड कलर लगाने का मूड नहीं है तो रेड वाला नहीं लगाती हूँ, लेकिन ये वाला लगाऊंगी। ये है लिक्विड लिपस्टिक है, वो भी न्यूड, मैट न्यूड है। तो हम इसको अप्लाई कर लेंगे सबसे पहले।
तो यहाँ पे मैंने न्यूड शेड अप्लाई किया है और अब जो ये मेरा ऊपर लाइनर थोड़ा सा फैल गया था, उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा बॉडी लोशन लेंगे, एक ये लेंगे ईयरबड और मैं इसको यहाँ पे हल्का सा टच करूँगी, बस बहुत ही हल्के से, वरना आपका जो मेकअप है वो ख़राब हो जाएगा। That's it. तो अब आप देख सकते हैं ये जो है वो हट चुका है, बहुत ही हल्के से मैंने हटा लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा मेकअप जो है वो आई शेडो थोड़ा इधर उधर हो गया है, सो उसको हमें थोड़ा ठीक करना पड़ेगा अगेन कलर लेकर के, और इसको हमें क्रीज में अप्लाई कर लेना है बस। सो अब ये जो बॉडी लोशन है इसको हम अपने हाथों में अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ मेरा मेकअप लुक जो है वो कंप्लीट होता है। और आप अगर सोच रहे हैं कि ये मैंने नेल पेंट कौन सा लगाया है, तो ये भी मैंने NYBAE का नेल पेंट लगाया है, बहुत ही प्यारा शेड है। इसका जो नंबर है वो ब्लू स्टोन ब्लू 11 है। तो ये सारे प्रोडक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इनकेस अगर आप चाहते हैं लेना तो आप देख सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट मैंने purple.com से परचेज किए हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, घर पर रहिए, खुश रहिए, लोगों में प्यार बांटिए, बाय बाय।